हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। चंद घंटों में आईपीएल होने वाला स्टार्ट, जिसका था लोगों को बेसब्री से इंतजार। जनाब, ये इंतजार खत्म होने वाला है और हम नज़र डालने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की रणनीति को लेके, किस तरीके की चेन्नई सुपर किंग्स की रणनीति हो सकती है जनाब। तो आइए बात करते हैं जनाब। आईपीएल इतिहास की दो सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 13वें सीजन के पहले मैच में शनिवार को एक दूसरे के सामने होंगी। बेशक दोनों टीमें लीग की मैं विजयी शुरुआत चाहेंगी, लेकिन राह आसान नहीं होने वाली। दोनों टीम का फैन बेस काफ़ी मजबूत है और यह दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो स्टेडियम में इनके फैंस सीटों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण स्टेडियम में फैंस नहीं होंगे और खाली स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। निश्चित तौर पर फैंस की कमी टीमों को खलेंगे। आइए बात करते हैं भाई साहब रणनीति को लेकर। वहीं दोनों टीमों की बात की जाए तो चेन्नई को लीग से पहले दो बहुत बड़े झटके लगे हैं, सुरेश रैना और हरभजन सिंह। व्यक्तिगत कारणों से इस बार आईपीएल में नहीं खेल रहे, दोनों सीएसके की अहम कड़ी माने जाते हैं। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए इन दोनों की भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जनाब। साथ ही इसके बावजूद धोनी वो कप्तान माने जाते हैं जो किसी भी सूरत में टीम को संभाल लेते हैं और निश्चित तौर पर रैना और भज्जी के बिना टीम को आगे कैसे ले जाना है यह धोनी ने सोच लिया होगा। नंबर तीन धोनी रैना के स्थान पर किसी को खिलाते हैं वो उसी दिन पता चलेगा। माना जा रहा है कि यहां पर केदार जाधव रैना की कमी पूरा कर सकते हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, इस मैच में उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा जनाब। टीम की सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो शेन वॉटसन और अंबायतु रायडू पर रहने की संभावना है। फॉक डुप्लेसी को भी वॉटसन के साथ पारी की शुरुआत करने में हम देख सकते हैं, लेकिन फॉक का खेलना विदेशी खिलाड़ियों के संयोजन पर निर्भर करेगा। नियमों के मुताबिक प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, इसमें डेवन ब्रेबो वॉटसन का खेलना तय है। गेंदबाजी में लुंगी एनगिदी और जोश हेजलवुड में से एक का खेलना तय है और स्पिन में इमरान ताहिर के अलावा मिचेल सेंटनर टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर हरभजन सिंह होते वो रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर एक अच्छी स्पिन जोड़ी बनाते, लेकिन उनके न रहने से इमरान ताहिर का अनुभव और कला सीएसके के लिए उपयोगी होगा। ऐसे में डुप्लेसी की टीम में जगह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखती है। हाँ, अगर धोनी पीयूष चावला के साथ जाते हैं तो डुप्लेसी के खेलने की संभावना बढ़ जाएगी। मध्यक्रम की जिम्मेदारी ब्रेबो और धोनी पर ही होगी और जो तेज़ी से रन बना सकते हैं और मुश्किल में पारी को संभाल भी सकते हैं। तेज गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर का नाम तय है, जरूरत पड़ने पर दीपक बल्लेबाजी में भी अहम रन बना सकते हैं। इन दोनों के अलावा ब्रेबो ही रहेंगे। अब टीम में नगीदी और हेजलवुड की प्रतिभा को कैसे इस्तेमाल करती है यह देखना दिलचस्प होगा जनाब। तो जनाब ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की रणनीति जो मैंने अपने अपने हिसाब से आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आईपीएल के छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर की अपडेट हम आपको देते रहेंगे जनाब। जय हिंद, जय भारत।